हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके नाइस। तो फ्रेंड्स, यूपीपीएससी की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर 13 जुलाई की आज की अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं इस वीडियो में। तो कोर्ट मामले की सुनवाई को लेकर लेटेस्ट न्यूज़ है, 13 जुलाई की आज की लेटेस्ट न्यूज़ है। और फ्रेंड्स, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, यूपीपीएससी की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर आज की क्या अपडेट है देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये अपडेट है यूपीपीएससी की पूर्व परीक्षा नियंत्रक अंजू कटियार की जमानत को लेकर, जिसमें सरकार से जवाब तलब लिया गया है। हाई कोर्ट में लोक सेवा आयोग की पूर्व परीक्षा नियंत्रक की अर्जी पर अगली सुनवाई 25 को। तो फ्रेंड्स, ये लेटेस्ट न्यूज़ है अंजू कटियार की जमानत को लेकर। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में इनको गिरफ्तार किया गया था एसटीएफ की तरफ से। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पूर्व परीक्षा नियंत्रक अंजू कटियार की जमानत अर्जी पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। और अंजू कटियार अल्टी ग्रेड पेपर लीक प्रकरण में इस समय जेल में बंद है। उनको एसटीएफ ने मामले के खुलासे होने के बाद गिरफ्तार किया था। जमानत अर्जी पर अगली सुनवाई 25 जुलाई को है। तो इनकी जो अगली सुनवाई होगी जमानत को लेकर, 25 जुलाई को इनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी वाराणसी की ओर से। तो फिर इन्होंने स्पेशल में हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी। अंजू कटियार की जमानत पर न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा सुनवाई कर रहे हैं। शासकीय अधिवक्ता एस के पॉल ने बताया कि कोर्ट ने अर्जी पर राज्य सरकार से जवाब हल्फनामा दाखिल करने का समय दिया है। इससे पूर्व अंजू कटियार की जमानत अर्जी स्पेशल कोर्ट एंटी करप्शन विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण वाराणसी ने खारिज कर दी थी। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये वाराणसी में जेल में बंद है। और इसके बाद हाई कोर्ट से जमानत अर्जी दाखिल है। एलटी ग्रेड पेपर लीक मामले की जांच कर रही एसटीएफ को कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस संचालक की गिरफ्तारी के बाद तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक अंजू कटियार को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये अंजू कटियार के मामले को लेकर आज की कोर्ट अपडेट थी। इनकी सुनवाई 25 तारीख को होने जाएगी और इनको जमानत नहीं मिल पाई थी वाराणसी से विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण से। तो फ्रेंड्स, ये लेटेस्ट न्यूज़ थी अल्टी ग्रेड पेपर लीक मामले को लेकर। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।